कहिए सर जी साहब। ये मस्जिद के पास आपने बार बना दिया है तो आप जैसे मुसलमानों का क्या हशर होगा? दोजा की जाएंगे आप क्या कर सकते? मैं साथ चलूंगा आपके। आप आगे चल रहे हैं। देख लेते कौन कौन है। बड़ी पिटाई होगी जाके वहाँ। चलिए चलिए जाएंगे। बताइए सर ये क्या जादू है? तालाब है और है। कब बना था सर ये? 1200 में बना था। 1200 रुपए में? नहीं नहीं, 1200 में। जी 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 जी। एक तो उर्दू नहीं आती इंडिया वालों को यार। अब क्या करें, आपने ऑफिशियल बना के हमसे छीन ली ना। वरना थी तो हमारी। आ थी तो आपकी, चोरी करके ले गए। पंजाबी ने बड़ा बेड़ा कर किया। देखो यार क्या कुछ छोड़ के गए हूँ। वाह। और सर इसकी मस्जिद कहाँ है इस इलाके की? वो मस्जिद, ये पूरा मदरसा हुआ करता था साहब, और वो सामने ये जो दिख रहे हैं आपको। तो अब मस्जिद के साथ क्या है? मस्जिद नाइट क्लब है। नाइट क्लब है सर, पूरा मोहल्ला ये नाइट क्लब का है। तो उनको कोई मतलब बच्चों को पता है कि ये मस्जिद है? हाँ मतलब जो पढ़ ले उसे पता है ये मस्जिद है, बाकी तो लिखा हुआ तो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आर्कियोलॉजी है, मस्जिद थी और अब हमने ले ली है। नहीं भाई। हाँ मतलब ये पुरानी बिल्डिंग है उनकी है। तो इस पे दंगा वंगा करा सकते हैं हम? कि हिंदू हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। यार हिंदू जुल्म कर रहे होते तो करा लेते। तो कौन कर रहा है ये जुल्म? शैतान है मेरा ख्याल है चक्कर में। हमारी हरकतें ही ऐसी है। अच्छा सामने वो क्या है सर? क्या वो खिड़की में कौन बैठा है वहाँ? वो मजदूर जो यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं। अब पहले तो वो शहजादी वजादी के लिए है। हाँ रानियां भी रहा करती होंगी कभी। अब देखिए वही है, ये तो डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है। अच्छा शहजादियाँ चली गई, मजदूर आ गए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये तो लोग ऐसा लग रहा है कुछ इश्क लड़ा रहे हैं सामने। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं लड़ाएंगे साहब, आजादी है इश्क लड़ाने की, हिंदुस्तान है। नहीं यार वो इश्क के काबिल लगती नहीं है फैमिली, वो इश्क हो चुका है। हाँ वो काफी साल हो गए। हाँ, कई साल हो गए, मुझे लगता 30-35 साल तो हो ही गए इनका इश्क पका हुआ है। पका हुआ है? मुझे तो पेट के इर्द गिर्द लग रहा है भाई साहब। नया ताजा इश्क नहीं। यार बड़ी खूबसूरत चीज है भैया। ओहो हो, ये है आशिक सामने। हाँ हाँ, ये तो यार सेम सेक्स आशिक लग रहे हैं दोनों। लौंडे हैं ये तो। नहीं, आमने सामने जो बैठे। हाँ अब वो कुछ अपने सोच विचार में बेचारे लड़के लगे हुए हैं, जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है, नौकरी कब लगेगी। अच्छा इसका वो ये राइट से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं नहीं, बस ताल्लुक हो भी सकता है। अच्छा उसकी भी कोई मना ही नहीं। तो मैंने सुना इंडिया में गे होते ही नहीं है। गे कैसे नहीं होते साहब? ये देखिए साहब, ये देखिए मॉस्क का ये निशाना है। ये तो आपको मुसलमानों के बारे में पता होगा ना कि हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर तरह का मुसलमान रह सकता है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में सुना है गे नहीं बनते। नानो बनती है, गे नहीं बनते। और इस पे सारे मजाहिब के लोग मुत्तफिका हैं। सही है ना? सिखों हिंदुओं और मुसलमानों का इत्तेहाद इस बात पे है, एक बात पे तो ये लोग एग्री किए हैं कि गे आदमी को मारो। हाँ। क्योंकि गे जो है वो, इनको क्या तकलीफ है गे से? मेरे को वो बात समझ में नहीं आती कि कैसे एक छोटा इंसान अदना सा, हाँ ठीक है, वो दुनिया बनाने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है अपने सेक्सुअलिटी से। यार ये तो मतलब बाकी नहीं गे हैं या बेचारों की ऐसी जैसी की भी आप लोगों ने यार। चलो मस्जिद के सामने सच में ज्यादा नहीं निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मस्जिद में आमतौर पे सच तो नहीं बोला जाता ना, सुना है मैंने। भैया तुमने यहाँ रहना, मैं तो जा रहा हूँ। 18 को मारे गए। तो ये देखो यार निकर पहन के आ गया सालों मस्जिद के अंदर, मौलवी नहीं आया कोई? अजी खंडर है। अरे भाई अबे टखने से ये जाकिर नाइक स्टाइल के कपड़े पहने हुए इसने। देखो छोटे भाई की इसने पहनी है पजामा और बड़े भाई का कुर्ता। खैर जो यार इसका क्लोजअप ले, ये कोई काफिर लग रहे मुझे। हाँ ए भाई, भाई तेरा नंगे पैर देख के लड़कियों को शहवत हो जाएगी। साले मस्जिद की बेइज्जती कर रहा है, बाबरी मस्जिद का भूलिया हमने क्या हासिल किया था। ये देखो मैं कुछ शरणी मस्जिद के अंदर नंगे पैर चला। अबे यार तैश में भी है, तैश में भी है। चलें चलें सर, आइए चलें जरा लोगों को देखें क्या कह रहे हैं।
इनसे इंटरव्यू कर सकते हैं हम? पता नहीं वो बोलना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, नहीं हम पूछ तो ले सकते हैं ना। हाँ पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है ना, पूछ लेते पाकिस्तान से पूछे। पिटाई तो नहीं, आप नहीं, नहीं, पिटाई आपकी कौन करेगा, इंटरव्यू करने। सर आपसे बातचीत हो सकती है? यार पाकिस्तान से आए को पैगाम वैगाम दें आप, पाकिस्तान से आए को पैगाम वैगाम दें। आप निकल रहे हैं पाकिस्तान से? नहीं हम जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं पाकिस्तान, आपको क्या हो गया, पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है आपको? हम तशरीफ घर ले जा रहे हैं। अच्छा तशरीफ ले जा भैया, तो बहुत बड़ी बढ़िया उर्दू बोल रहे हैं तुम। लो भाई भगवा दिया ना तुम्हारे, मना किया था बच्चों को डरा दिया। आप पाकिस्तानियों के कहाँ? वो काफी देर से बैठे हैं। कहाँ? अकेला है यार वो, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो तो बहुत मोटे हैं यार, इतने मोटे लोग का इंटरव्यू नहीं ले। शरीर से थोड़ी ना आती है, अंदर से ही आती है। अबे कभी किसी मोटे पे कोई फंसी है कोई लड़की, पागल होगा हमसे पूछो, 65 साल के हो गए अब भी कोई नहीं पूछता हमें। गुड नाइट, जय हिंद। यार देखो ये हीरो कट टाइप के लोग भी जा रहे हैं, ये तो जगह ही हीरो कट लोगों की है। और ये देखिए ये कौन है यार, इसने सर क्यों झुकाया हुआ अपना? तो ये सब संस्कारी लड़की है, हिंदुस्तान की सर झुका के चलते हैं यहाँ पे, निगाहें नीचे। अच्छा है ये स्टाइल चल रहा है।